हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, झारखंड से बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो फ्रेंड्स, झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया हुआ है लॉकडाउन को लेके और स्टडी क्षेत्र को लेके बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं। कोरोना पर हाई लेवल बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। डॉक्टरों को भी दे दी चेतावनी। सीएम ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल की बैठक में परीक्षाओं को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ फ्रेंड्स, झारखंड सरकार कल की बैठक में परीक्षाओं को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि कई क्षेत्र में टेंथ और बोर्ड्स एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़े डिसीजन लिए गए हैं। किसी स्टेट में टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है और ट्वेल्थ एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। यही सब को मद्देनज़र देखते हुए सीएम कल के बैठक में डिसीजन लेने वाले हैं परीक्षाओं को लेकर। ग्रेजुएशन एग्ज़ाम हो चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं को लेकर वे कल डिसीजन लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए हाई लेवल बैठक की। सीएम ने मीटिंग के बाद लॉकडाउन की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की समस्या को रोकने के लिए लॉकडाउन समाधान नहीं है, इसमें कई अन्य समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल भी संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से बड़ी बैठक बुलाई गई है, इसमें राज्य में होने वाली परीक्षाओं को लेकर अहम निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने जैसे सीबीएसई के परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया है, उसकी समीक्षा कर हमें भी झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर निर्णय लेना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान रांची समेत पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया है। रांची, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज से में सांसद फंड में से बन रहे लैब को सरकार राशि देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिम्स के अंदर 110 नए आईसीयू तैयार किए जाएंगे, 750 डेडिकेटेड कोविड बेड बनाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि रांची में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है, इस बोझ को कम करने के लिए रामगढ़ में सीसीएल के 150 बेड के अस्पताल को कोविड वार्ड में बदला जाएगा। इसकी देखरेख रिम्स के द्वारा होगी। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को सख्त चेतावनी देते हुए दो टूक कहा है कि किसी भी परिस्थिति में मरीज के इलाज में एक कटौती या लापरवाही ना करें। मरीज की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह कुछ निर्देश है जिन्होंने सीएम हेमंत सोरेन ने जारी किया है। परीक्षाओं को लेकर अभी कोई भी स्पष्टि नहीं हुआ है कि टेंथ और बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह से होंगे। तो फ्रेंड्स, अदर स्टेट ने जिस तरह टेंथ एग्ज़ाम को कैंसिल किया है, मे भी शायद उसी तरह झारखंड में भी टेंथ एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा एंड ट्वेल्थ एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पर।